अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यूपी के ऊर्जा व मेरठ के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा बीते दिवस मेरठ आए, देखा, अफसरों व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और चले गए, बिल्कुल ऐसे जैसे वर्चुअल मीटिंग। उनके मेरठ में रहते हुए बीते दिवस सीएमओ ऑफिस से जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 16 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। रोजाना यह आंकड़ा 6 से 10 के बीच ही रहता था। इतना ही नहीं, बीते दिवस ही एक महिला हुसन आरा की ई रिक्शा में भी मौत हो गई। वह ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी लेकिन नकारा सिस्टम, आंखों पर पट्टी व कान में तेल डाले सभी व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे ठोक रहा था। इस बीच शहर के बाद अब पंचायत चुनाव की सौगात के रूप में कोरोना ने गांव-गांव में अपने पांव पसार लिए हैं। जो लोग प्रधान बन गए हैं वे लड्डू बांट रहे हैं और जो लोग उनके साथ रहे वे मौत। मेरठ के ही परतापुर क्षेत्र के गगोल गांव में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। गगोल गोथरा में 50 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। खेड़ा गांव में एक सप्ताह में ही 25 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। गंगानगर थाना क्षेत्र के इलाके बक्सर गांव में भी करीब 15 लोग अब तक कोरोना के मुंह में समा चुके हैं। सभी मौत कोरोना के कारण हुई लेकिन गांव में नहीं तो कोरोना टेस्टिंग कराई गई और न ही सैनिटाइजेशन। आंखों के सामने अपने परिजनों को दम तोड़ते ये बेबस आंखें कभी जिनको रहनुमा बनाया था उन्हें तो कभी आसमां की तरफ यह कहते हुए देख रही हैं कि भगवान अब तो बस करो, यह मंजर देखा नहीं जाता। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं ग्रामीण आलम। जो है माहौल, डर का माहौल आपस में बना हुआ है एक दूसरे में, और यहाँ पे सैनिटाइज जो हमारे युवा सेवा समिति के लड़के हैं, जो हमारे युवा हैं, गांव को पूरे को सैनिटाइजर किया है। और उसके बाद में जो ये 13 मौतें हैं, मैंने डिटेल सबकी बना रखी है, 13 की 13 की, ये कंडीशन है। सरकार का दावा यह है घर घर पहुँच कर कोरोना टेस्टिंग करी जा रही है, 13 मौत आप बता रहे हैं उनकी या गांव में और जो लोग अब मौजूद हैं, किसी की टेस्टिंग हो रही है? नहीं, खैर टेस्टिंग तो खैर नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे, लेकिन जो सैनिटाइजर है हम सब युवाओं ने मिलकर के पूरे गांव को सैनिटाइजर किया है और उसके बाद अभी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। अधिकारियों का ये है कि अधिकारी गांव-गांव जाके पूछेंगे यहां कोई आया पूछेंगे? ना खैर अभी अधिकारी तो कोई, खैर कोई नहीं आया अभी तक। अपने स्तर से ही आप लोग सैनिटाइज कर रहे हैं? जी आप जी जी अपने स्तर से सैनिटाइजर करा, सभी युवाओं ने मिलकर एक दूसरे की मदद करी। मेरठ मेडिकल कॉलेज के बाहर इलाज के अभाव में ई रिक्शा में मारी गई हुसन आरा के मामले में प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र का यह कहना है। हमें ये आरोप असत्य पर निराधार है, क्योंकि अगर महिला हमारी इमरजेंसी के अंदर तक पहुंचती तो उसको, क्योंकि कल हमारे 15 एडमिशन हुए तो 16 एडमिशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो किस बाहर रह गई, कैसे हुआ, इसकी मैं जांच करा रहा हूं कि और इसके संबंध में कुछ उचित कदम भी उठाए, क्योंकि अभी अत्यधिक मरीजों की भीड़ अटेंडेंट होने के कारण पीछे के गेट से एंट्री होती थी तो उसमें पीछे गेट से वो नहीं गई और वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। बाकी अब फिर से हमने जो पुरानी व्यवस्था थी उसको करने के निर्देश दे दिए, जिससे मरीजों को जो कोई भी तकलीफ लेना हो, क्योंकि हम जब मरीजों को पूरी तरह से 125-130 मरीजों का इलाज इमरजेंसी में कर सकते हैं तो इसका भी कर सकते हैं। इसकी जांच, इसके कारणों का मैं पता लगा रहा हूं। जो भी इसमें अगर मरीज हमारा इमरजेंसी के अंदर पहुंचा और डॉक्टर ने मना किया या किसी ने मना किया, उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।